आज इंडिया की बहुत बड़ी जीत हुई। 100 दिन से मणिपुर पर कुछ ना बोलने वाले, सदन से भागे भागे फिरने वाले, मुंह छुपाकर चले जाने वाले मोदी जी को इस अविश्वास प्रस्ताव ने मजबूर कर दिया कि उनको सदन आकर मणिपुर पर अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी और वक्तव्य देना पड़ा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। 2 घंटा 14 मिनट मोदी जी ने सदन में वक्तव्य दिया। आपको पता है वो मणिपुर पर कितनी देर बोले? 2 मिनट। सही सुना आपने, मणिपुर पर इस देश के प्रधानमंत्री 2 घंटा 14 मिनट में से 2 मिनट बोले, 6:44 से लेकर 6:46 तक। 2 घंटे 14 मिनट की स्पीच इतनी उबाऊ थी कि आपके सबसे प्रिय लोग ऊंग रहे थे। ये देखिए कैसे जम्हाई ले रहे थे ये लोग। खैर, 2 घंटा 14 मिनट बोलने के बावजूद प्रधानमंत्री मणिपुर पर 2 मिनट बोले, जैसा कि मैंने आपसे कहा। 1 घंटा 38 मिनट बोलने के बाद प्रधानमंत्री जी का गला सूख गया। इतना लांछन, इतना झूठ बोल चुके थे, इतना फेंक चुके थे, तो मोदी जी को पानी पीना था। ये तस्वीर याद है ना, अडानी के वक्त मोदी जी को प्यास लगी थी, फिर ये तस्वीर हम लोगों ने खूब यूज करी थी, क्योंकि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो जब 1 घंटे 38 मिनट के बाद मोदी जी को पानी पीना था, तो कैमरा मोदी जी से हटकर स्पीकर पर चला गया। मोदी जी ने पानी पी लिया, थक गए थे कोसते कोसते, कांग्रेस को, विपक्ष को, राहुल जी को, सबको। तब विपक्ष को लगा कि ये बोलने वाले हैं नहीं, और उन्होंने वॉकआउट किया, और बिल्कुल सही किया। मोदी जी ने उसके बाद मणिपुर पर बोला। पहले तो वो 2-3 मिनट ये समझाते रहे कि अमित भाई सब बोल ही चुके हैं, और उसके बाद 6:44 पर 2 मिनट के लिए वो मणिपुर पर बोले। क्या बोले? बोले कि बहुत आहत हूं, महिलाओं के साथ गलत हुआ है, और हम सबको साथ में मिलकर करना है, वहां पर शांति फिर से लौट रही है। ये बोले प्रधानमंत्री जी। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जो जिन लोग शहीद हो गए उनके लिए श्रद्धांजलि नहीं, कुछ नहीं। तो मोदी जी, आपसे 4 सवाल तो अभी भी बने हुए हैं। 100 दिन से मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर पर अपने आपने चुप्पी अपने आप क्यों नहीं तोड़ी? उस भयावह वीडियो के बाद ही 36 सेकंड क्यों बोला? आपकी जिस सरकार पर ना आपके विधायक का, ना गवर्नर का, ना सुप्रीम कोर्ट का, आपके खुद के विधायक का विश्वास नहीं है, वो अभी तक क्यों बनी हुई है? क्यों बर्खास्त नहीं किए गए बीरेन सिंह? और अंततः गतवा मोदी जी ये पूछना था, जिस शांति की आप बात कर रहे हैं, उस शांति में असम राइफल में और मणिपुर पुलिस में तनातनी है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ FIR कर रहे हैं। मणिपुर पुलिस बीरेन सिंह को रिपोर्ट करती है और असम राइफल अमित शाह को रिपोर्ट करती है। ये शांति बहाल कर रहे हैं आप 21वीं सदी के मणिपुर में? तो ये असलियत थी मोदी जी के मणिपुर के भाषण की। चिरपरिचित अंदाज में स्क्रिप्ट लिखी लिखाई है, वही बोलते हैं। विपक्ष को कोसना है, नेहरू तक जाना है, राहुल जी के खिलाफ 4 शब्द बोल देने हैं, इधर उधर की बातें करनी है। मणिपुर पर डिस्कशन था और ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ अट्टहास, कोई महफिल सजी हुई है। हंसी, चुटकुले, मोदी जी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। आप सबको भी मैं याद दिलाना चाहता हूं, साथी, यहां मेरे जो नॉर्थ ईस्ट के भाई हैं उनको हर चीज का पता है। जब मणिपुर में वो एक समय था, हर व्यवस्था उग्रवादी संगठनों की मर्जी से चलती थी, वो कहे वो होता था। और उस समय सरकार किस थी मणिपुर में? किसकी सरकार थी? जब सरकारी दफ्तरों में महात्मा गांधी की फोटो नहीं लगाने दी जाती थी, तब सरकार किसकी थी? जब मोइरांग में आजाद हिंद फौज के संग्रहालय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर बम फेंका गया, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, जब मणिपुर में स्कूलों में राष्ट्रगान नहीं होने देंगे ये निर्णय किए जाते थे, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? जब अभिमान एक अभियान चला था, अभियान चला करके लाइब्रेरी में रखी गई किताबों को जलाने का, ये देश का अमूल्य ज्ञान की विरासत को जलाते समय सरकार किसकी थी? जब मणिपुर में मंदिर की घंटी शाम को 4 बजे बंद हो जाती थी, ताले लग जाते थे, पूजा अर्चन करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, सेना का पहरा लगाना पड़ता था,
तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, जब इम्फाल के इस्कॉन मंदिर पर बम फेंककर श्रद्धालुओं की जान ले ली गई थी तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? जब अफसर, हाल देखिए, आईएएस आईपीएस अफसर, उनको अगर वहां पर काम करना है तो उनके तनख्वाह का एक हिस्सा उनको इन उग्रवादी लोगों को देना पड़ता था, तब जाकर के वो रह पाते थे, तब सरकार किसकी थी?